हम साल में हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोस इस रिएक्शन 2.0 में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं RRR मूवी के रामचरण फ्लैशबैक सीन पे, और हम इसे अजय देवगन इंट्रो सीन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबको सिखा रहे हैं। लकड़ी की गन से सब ठीक है बाबा। लोड लोड बाबा, ये तो सिर्फ हमारे अभ्यास के लिए ही थे ना, हमें आदत पड़ गई, अब खून मचल रहा है असली गोली चलाने के लिए। बाबा राइफल कब दोगे? काम से इस गोली की कीमत जानते हो? कहते हैं बाजार में 15 रुपए की मिलती है, लेकिन एक बार एक गोरे ने मुझे समझाया था कि इसका असली मोल कैसे करते हैं। भालकुर्ती गांव वालों, सरकार की तरफ से फरमान है, पिछले कई सालों से बाढ़ का बहाना करके आपका ये गांव लगान नहीं भर रहा। जब एक अंग्रेज अफसर यहां पर पूछताछ करने आए थे, तब इस गांव के सरपंच मल्ला रेड्डी ने उनसे बदतमीजी और हाथापाई की। ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह है और राजद्रोह की सजा सजाए मौत है। Do you understand how valuable the bullet in your gun is? It was manufactured by an Englishman, at full pay. It made its way here on an English ship. By the time that single bullet has made its way to the barrel of your gun, it has cost the crown 6 shillings. You don't waste it on peasant stock. Find another way, soldier. Yes, sir. उसने कहा एक गोली की कीमत हम देसियों की जान से कहीं ज्यादा है, तो फिर ये गोली अपना मूल्य कैसे कमाएगी? तुम्हारी बंदूक से निकलकर जब ये सीधा किसी अंग्रेज की छाती को छिनली करेगी, क्या बात है, उसके दिल से टकराएगी और ये आग बलती गोली उसके खून में नहाएगी। तब इसकी असली कीमत होगी और इस दाम का नाम आजादी। मैं तुम्हें गोलियां तब दूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम चूकोगे नहीं, तब तक मेहनत करते रहो। आई? अरे रे, कितनी बार कहा है बाएं हाथ से मत खाया कर, जल्दी हो जाएगा ना। काम चाचा चाचा बाबा हो वेंकटेश्वरी, क्या सीधा तू हमेशा यहीं पड़ी रहती, कभी घर जाती है? राम जहाँ होगा मैं वहीं मिलूंगी। ये तो बनेगी या नहीं पता नहीं, पर बेटी तो अभी से है। तुम यहाँ अपनी फौज खड़ी कर रहे हो और मुझे वहां भेज दिया है पुलिस में, मुझे तुम लोगों के साथ रहना है बाबा। नहीं, तुम्हारा उधर रहना जरूरी है, हमें वहां की कब्र चाहिए। ठीक है, पर हम जीतेंगे कैसे? ट्रेनिंग के बाद हमें हथियार चाहिए। तुम्हारे पास एक राइफल है और कुछ गोलियां, कितनों में बांटोगे? हर गोली पे मरने वाले का नाम लिखा है और हर बंदूक पे चलाने वाले का। आएंगे वेंकटेश्वर लोग,
अपनी जान ढूंढते हुए हथियार खुद ब खुद आएंगे। सही। राइफल को ठीक से कंधे पर टिकाओ। क्या हुआ? डाउन। ये क्या है? मैंने कल रात आपकी राइफल चला की पापा। खिलौना समझ रखा है? खिलौना है? मैंने दी थी पापा, मैंने दी थी। सीता। मैंने दी थी, लेकिन राम चलाता बहुत अच्छा है। आइए दिखाती हूँ, आइए ना। वो देखिए, निशाना दिखाने के जा रही है बीचों बीच। दूर से सीधा निशाना। कैसे यार? क्या सीन है भाई। उनके पास तो गन है नहीं। मैं वहां से उनको रोकता, मेरे शहर पर सबको लेकर जंगल में चले जाना, मालूमवादी में छुप जाना, वहां अंग्रेज नहीं पहुंच सकते। संभल के सरोज, मेरी जंग ही मेरा वजूद है और तुम उसका हिस्सा हो। अकेले निशाना देख रहे हैं, हर गोली लग रही है उनको।
को आगे बढ़ने नहीं दे रहा अकेला बंदा। चले गए वो बाबा। देखा सिर्फ एक बंदूक और कैसे दबे भाग पीछे भाग गए। सोच अगर हर हाथ में हथियार होगा तो यह हमेशा के लिए अपने देश लौट जाएगी। वादा करो राम तो गाइस ये था RRR मूवी का मतलब रामचरण फ्लैश सीन भी बोल सकते हैं और इसको अजय देवगन सकते हैं। हाँ तो बहुत ही इमोशनल सीन है और जब मतलब अजय देवगन सर बोलते ना लोड क्योंकि तो उनके बच्चे की लाइफ उनकी आंखों के सामने उनकी वाइफ की लाइफ आंखों के सामने हो जाती है फिर भी वो रामचरण सर को बोलते कि लोड मतलब घूस बम्स आ गए थे। इतना अच्छा और तगड़ा सीन था ना ये बहुत इमोशनल था
क्योंकि मतलब एक ही गन थी उनके पास। हाँ। तो पहले वो सिर्फ अपनी आर्मी तैयार कर रहे होते हैं, लकड़ी के साथ सबको सिखा रहे होते कैसे एम करना है, ऐसे लोड करना है, ऐसे मतलब इतने हथियार थे नहीं। हाँ। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो दिखाए हैं, जो ब्रिटिश आर्मी दिख रहे हैं, उनके पास बहुत सारी सबके पास हथियार है गन्स, और गन्स के सामने ये लोग क्या करेंगे, उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। वैसे अजय सर का जो ये छोटा सा रोल ही है इसमें, बट इतना दमदार रोल दिखाया है, बहुत दमदार, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल रोल है ये। इससे मतलब पता भी चलता है कि रामचरण सर का लक्ष्य क्या है। वो उनको कह के जाते हैं कि देखो एक गन थी हमारे पास, वो इतने सारे थे, वो फिर भी पीछे भाग गए, उनको भागना पड़ा। जब अपने हर बंदे के पास गन होगी तब क्या होगा, तब ये मतलब खुद देश छोड़ के भाग जाएंगे। कि हर किसी के हाथ में मतलब उनके हथियार होना चाहिए। अब मतलब थोड़ा बहुत समझ मतलब ये सीन जब आता है ना, तब आप को एक अलग ही वे मिलता है इस मूवी को अलग तरीके से देखने का। सबसे पहला ट्विस्ट यही लगता है कि ये ट्विस्ट क्या है इसके बाद अब ऐसा क्यों कर रहे थे, तो ये जब पता चलता है तब हमें पता लगता है कि भाई यहाँ ये कारण था। जब तो रामचरण सर मतलब जो सेना में गए हुए हैं या अंग्रेजों का साथ दे रहे, वो इस कारण दे रहे, इसके पीछे ये वजह है। तो काफी अच्छा सीन था, जयदेव सर की एक्टिंग खतरनाक थी, बहुत मतलब अच्छा रोल किया उन्होंने। और इस मूवी में छोटा सा रोल है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल रोल है ये, मतलब बहुत जरूरी रोल था जो अजय देवगन सर ने निभाया बहुत अच्छी तरीके से। और हमें ये मतलब सीन काफी इमोशनल लगा, और जिस तरह अच्छा से जिस तरह से फिल्माया हुआ है काफी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं, और आपको इस सीन में गूज़बम्प्स आए या नहीं आए, हमें तो आए, आपको आए या नहीं आए आप हमें ये भी कमेंट में बताना। तो गाइस अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे यूं ही बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।